राजस्थान के तमाम संविदा कार्मिकों को प्रवीण जसरापुर का सादर नमस्कार। अमरदास जी वैष्णव मेरे साथ हैं, जिला अध्यक्ष जालौर, प्रदेश उपाध्यक्ष, सभी को मेरा नाम नमस्कार प्रणाम। आपूराम जी सियाग साहब, जिला संयोजक जालौर, और महेंद्र साहब ब्लॉक अध्यक्ष जालौर, सारे साथी एकदम साथ बैठे हुए हैं, सारे संविदा कर्मी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आपके प्रश्नों का मैं 10 मिनट बाद में जवाब दूंगा, पहले अपनी बातें कुछ शेयर कर दूं आपके साथ। सबसे पहले तो मैं उन साथियों को बधाई देना चाहता हूं जो साथी अपनी योग्यता के हिसाब से पंचायत शिक्षक बन चुके हैं। उनके आदेश के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि उनके आदेश से करीब करीब बीकानेर एक दो दिन में पहुंचने वाले हैं और उनके आदेश करीब करीब हो ही चुके हैं, इसमें कोई किंतु परंतु ना माने, इसलिए वो अपने आप को किसी भी तरीके से अनसिक्योर महसूस ना करें। उनके आदेश अब अंतिम उसमें हैं, कभी भी आपके हाथ में आ सकते हैं। इसके अलावा जो अप्रशिक्षित भाई बचे हैं वो पिछले काफी दिनों से परेशान हैं, तो उन भाई बहनों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपकी बात हम सरकार से पहले भी अच्छी तरीके से रख चुके हैं और माननीय धर्मेंद्र राठौड़ साहब हों, शिक्षा मंत्री कल्ला साहब हों, भाटी जी हों, जाहिदा खान मैम हों, सभी ने कह दिया है कि आपकी मांग जायज है, आपको सरकार ब्रिज कोर्स करवाएगी, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा समय दीजिए, धैर्य रखिए। लेकिन साथियों, अब पिछले प्रदेश में काफी दिनों से ये मांग रखी जा रही थी, मेरे जिला अध्यक्ष साथी भी हैं, वो भी मुझे कह रहे थे कि भाई हमें इनके लिए जल्दी एक मूवमेंट शुरू करना है। साथियों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने अधिकारी स्तर पर सबसे पहले तो ये बताया है कि कौन सा ऐसा प्रस्ताव जयपुर से बनवाया जाए या बीकानेर से बनवाया जाए जो इनके लिए कारगर साबित हो और उसके ऊपर सरकार चर्चा करे। तो इसके लिए सारे अधिकारियों ने हमें एक सलाह दी है कि आप अप्रशिक्षणों को कोर्स करवाना चाहते हैं या कोई डिग्री जुड़वाना चाहते हैं, चाहे बीपीएड हो, चाहे सीपीएड हो, चाहे पीजीडीसीए हो, चाहे पीटीआई कोर्स हो, चाहे लाइब्रेरियन कोर्स हो, कोई भी जो कोर्स है, तो उसके लिए हमें एक प्रस्ताव बीकानेर से। मेरे कई साथी इस निर्णय को हो सकता है अवैध भी ठहराएं या गलत भी ठहराएं कि बीकानेर में क्या रखा है, वहां जंगल है, कुछ ऐसा है, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि जब हम अपात्र हुए थे आयु और संतान को लेके, उस समय भी इस तरह की मांगे उठी थी, लेकिन अंतिम जो बीकानेर में प्रस्ताव बन के आया था उसी पर निर्णय किया है सरकार। इसलिए 27 मार्च को सोमवार हमने पूरे जिलाध्यक्ष साथियों ने मिलकर और प्रदेश कार्यकारिणी मिलकर डिसाइड किया है कि अनट्रेंड भाइयों की जो समस्या है, नगर पालिका की जो समस्या है और नियमितीकरण की मांग को जो आगे बढ़ाने की बात है, उन सभी बातों को लेकर सबसे पहले सोमवार से 27 तारीख से संगठन का अनिश्चितकालीन महापड़ाव बीकानेर निदेशालय के आगे आरंभ किया जाए, जिसमें प्रदेश के सभी बहन भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप संगठन के इस निर्णय का साथ दें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे, ताकि संगठन जिस उद्देश्य के लिए महापड़ाव डाल रहा है इसमें हमारी एनर्जी ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि हमारी संख्या अगर ज्यादा रहेगी तो हम इसको 3 या 4 या 5 दिन में ही फतेह कर लेंगे और अपनी बची हुई ऊर्जा को नियमितीकरण के लिए जल्दी ही जयपुर में इकट्ठी करके लगाए। इसलिए सारे साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी साथी घर ना रहे, सोमवार को सारे ही साथी एक बार किसी की बातों में ना आए, सीधे बीकानेर पहुंचे, क्योंकि ये महापड़ाव खास करके जो अनट्रेंड भाई हैं वो तो एक भी घर ना आए, आज संख्या गिना रहे हैं, फोनों पे कहते हैं, कभी कॉल्स करके बताते हैं कि हम 8,000 भाइयों का आपने अर्थ कर दिया, 8,000 संख्या बहुत बड़ी होती है, अगर आप 5,000 भी आ गए तो मैं वादा करता हूं कि 5,000 आपके साथ ट्रेंड रहेंगे, 10,000 की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। हमारा एक दो दिन में ही प्रस्ताव वहां से जो हम चाह रहे हैं वो प्रस्ताव बन के जयपुर आ जाएगा और हम खुशी खुशी महापड़ाव को एक बार विसर्जन करके और जयपुर में अगला कदम उठा लें। लेकिन अगर आपकी संख्या कम रही और हमें वहां संख्या दिन ज्यादा लगे तो साथियों हमारी एनर्जी जो हमें नियमितीकरण के लिए लगानी चाहिए वो फालतू जाएगी वहां पे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सारे ही साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में सोमवार को पहुंच जाओगे, ऐसी में उम्मीद है। एक छोटा सी बात और आपको बता देता हूं कि आईएएस फार्मूले के लिए पिछले काफी दिनों से सभी मंत्रियों और अधिकारियों से हमारी बात चल रही है, सभी ने आश्वस्त किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हमें पिछले सोमवार को जब हम मिले थे, अमरदास जी मेरे साथ थे, अपूराम जी भी साथ थे, हुक्माराम जाखड़ साहब भी थे और हमारे पूर्ण सिंह जी जो अपात्र है अप्रशिक्षित हैं अभी, वो भी हमारे साथ थे, कि आपको प्रशिक्षित भी करवाएंगे और आपका जो 1/3 का फार्मूला है इसको भी इसमें कुछ सुधार करके आपको 1/1 करेंगे और आपको नियमित भी करेंगे।
तो साथियों देखो, हमें लेना सरकार से ही है। हम अकेले संविदा कर्मी नहीं है, शिक्षा विभाग में भी करीब 40-45 हज़ार संविदा कर्मी हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हमें भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सरकार की मंशा है, हमें नियमित करेगी सरकार। ये जरूरी नहीं है 1/3 का फार्मूला 1/3 रहे। सरकार इसको एक झटके में बदल के 1/1 भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा धीरे रखना पड़ेगा। आज सुबह भी हमारी मुलाकात हुई है मंत्री साहब से, उन्होंने कहा है कि यार तुम थोड़ा धैर्य तो रखो। 1,10,000 माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो 1,10,000 का मतलब ये नहीं है कि इनको संविदा से संविदा में डाल के छोड़ देंगे माननीय। ऐसी बात नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको नियमित करेंगे, इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखो। और इसीलिए साथियों, हम अकेले संगठन तो हमारा है नहीं, शिक्षा विभाग के अलावा 40-45 हज़ार कर्मचारियों के अलावा और भी दूसरे विभाग के कर्मचारी, वो भी वेट कर रहे हैं। तो हमें भी इस मामले में थोड़ा वेट करना चाहिए। उससे पहले जब हमें ये जो हमारे संगठन की दूसरी समस्या है, इनको हमें तुरंत खत्म करके और इनका समाधान हमें निकाल लेना चाहिए, उससे पहले जब तक हमें उस लड़ाई को आरंभ ना करें। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि महापड़ाव अपना डेट आ गई है, सभी भाइयों को पता लग चुका है। अब आपको कुछ साथी ऐसे भी आएंगे जो इन बातों को गुमराह करने वाले होंगे, कई तरह की बातें आपके सामने आएंगी, मैं कहना नहीं चाहता हूँ आपको, लेकिन आप याद रखिए कि चाहे जयपुर का क्षेत्र दिन महापड़ा हो, चाहे 34 दिन बीकानेर का महापड़ा हो, चाहे विधानसभा में रैलियां हो, आज तक साथियों जब से भी संगठन संभाला है कोई कार्यक्रम असफल नहीं हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो यह महापड़ा होगा, इसमें भी आपको 1,000% सफलता मिलनी है, क्योंकि नियोजित तरीके से प्लानिंग से महापड़ाव डाला जा रहा है। सारी जगह बात हो गई है अधिकारियों से, मंत्रियों से, सारे काम प्लानिंग से हो रहे हैं। आपको जो चाहिए वह आपको मिलना तय है, आप सिर्फ अपनी संख्या बल और सर गनवाने से मार्ग वहां पहुंचे, किसी की बातों में मत आइए। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसके बाद समस्याओं का सभी का समाधान होगा। आप नियमित भी होंगे और आपको सरकार कोर्स भी करवाएगी, आपकी डिग्रियां भी जुड़ेंगी, लेकिन आपको संगठन पर पूरा विश्वास करना। मैं पहले भी कहता आया हूं कि संगठन के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको हार नहीं मिलेगी, आपकी जीत निश्चित है, लेकिन संगठन में अपनी भागीदारी निश्चित रखें। कुछ साथी होते हैं जो ग्रुपों में भी अनाप शनाप लिखते हैं, संगठन के लिए भी बोलते हैं, उन साथियों से भी मैं कहना चाहूंगा, आप एक संगठन की विचारधारा में रहिए। आप, हमने 10-12 साल संगठन की सेवा की, आज संगठन को चला रहे हैं तो एक सिस्टम और नियमों से चला रहे हैं। हम संगठन में कुछ भी किसी का भी अहित नहीं होने देना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा था कि हम 25 तारीख को घोषणा करेंगे, लेकिन कुछ साथियों की मांग से ये घोषणा हमें थोड़ी पहले करनी पड़ी है, क्योंकि जो काम होना था वह हो चुका है। सरकार से जो हमें निर्देश मिलने थे वो मिल चुके हैं, अधिकारियों से जो निर्देश हमें मिलने थे वो मिल चुके हैं, इसलिए हमने यह आज घोषणा की है। इसको अन्यथा ना लें, ये सिर्फ आपके फायदे के लिए। मैं तमाम जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों से भी हाथ जोड़ के निवेदन कर देना हूँ कि अनट्रेंड भाई जो बारी बारी कह रहे हैं कि हमारी मांग प्रमुखता से रखें, तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये धरना, इसमें ज्यादातर आपकी मांगे ही रखी जाएंगी। नगर पालिका प्रभावित है, जो डिग्रियां जुड़वानी है, चाहे PGDC है, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष की है, चाहे और कंप्यूटर से जुड़ी डिग्रियां हैं, चाहे BPED है, चाहे CPED है, ये सारी बातें मतलब इन्हीं की मांगों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसलिए ये आप चिंता ना करें कि आपकी मांग प्रमुखता से नहीं रखी जाएगी, धरना ही बेसिकली आपके लिए हो रहा है। हम तो जो ट्रेंड भाई हैं उनको आपकी मदद के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि आपने भी हमारी मदद की है। आप हमारे परिवार के सदस्य हो, हमसे अलग नहीं हो, इसलिए हम भी आपसे अलग नहीं है। हम तो देखो संगठन के मुखिया होने के नाते हमारी तो ड्यूटी है ही है, लेकिन जो ट्रेंड भाई हैं वह भी संगठन में आपके साथ हैं। आप अपने आप को बिल्कुल अकेला ना समझें। सभी जिलाध्यक्षों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो भी संडे को रवाना होकर सोमवार को एक बार धरना स्थल पर जरूर पहुंचे और अपने भाइयों को हौसला दें। जो भी समस्याएं हैं संगठन के सामने, जो हम यहाँ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उन साथियों से भी निवेदन है कि वो अपनी समस्याएं लेके सोमवार को बीकानेर पहुंच जाएं, क्योंकि वहां से जो समस्याओं का समाधान होने वाला है उनको वहीं किया जाएगा। उनसे जो वहां से जो समाधान नहीं होगा, जो जयपुर से होगा, तो हमारी एक टीम जयपुर भी रहेगी, वहां से उस समस्या को जयपुर ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि अगले हफ्ते में मैं जो संगठन की ये समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, ताकि नियमितीकरण की लड़ाई में, हालांकि वहां से भी चलेगी ये, लेकिन यहाँ जयपुर में जो हो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या सामने हमारे ना रहे। अब ये साथी कह रहे हैं कि कुछ अन्य साथियों को भी हमें साथ जोड़ना चाहिए, तो देखो मैं साथियों आपको बता देता हूँ कि हमारे शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी है, मदरसा पैरा टीचर है, शिक्षा कर्मी है, लोक जुम्बिस है, और ग्राम पंचायत सहायक, पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक है, हमारा एक परिवार है।
हालांकि लेखा सहायक हों चाहे एनआरएचएम कर्मी हों, ये हमसे अलग नहीं है, लेकिन हम इनके साथ जुड़े या ये हमारे साथ जुड़े, क्योंकि इनकी समस्याएं अलग है, हमारी समस्याएं अलग है। अनुभव की लड़ाई है, तो अनुभव की लड़ाई अगर ये हमारे साथ लड़ेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम सारे अनुभव की लड़ाई उसी नेता के साथ नेतृत्व में लड़ेंगे जिसका नेतृत्व शमशेर बहादुर खान जी करेंगे, क्योंकि 1,10,000 संविदा कर्मियों की अगर बात है और संविदा कर्मियों को नियमित करवाने की बात है, तो उस मानव ने जितनी मेहनत की है शायद किसी ने की नहीं है। इसलिए यह लड़ाई हम शमशेर जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। हमारी संगठन की लड़ाई है, तो हमारी संगठन की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसके नेतृत्व में बीकानेर महापड़ाव सोमवार से शुरू हो रहा है। हमारी जो समस्याएं हैं हम इनको अपने स्तर पर लड़ेंगे। किसी के साथ लड़ना है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लड़ाई तभी लड़ी जाएगी जब हमें हमारे भाइयों का हित सर्वोपरि लगे, यानी कि हमारा अनुभव एक-एक होना है। उसमें जो साथी हमारे साथ आएंगे उनको हम साथ रखेंगे। हमें किसी भी हालत में नियमितीकरण प्राप्त करना है, अगर इसमें कोई दिक्कत हमें समस्या लगेगी तो इसके लिए दूसरे संगठन हमारे साथ आएंगे, उनका स्वागत है, लेकिन हमारे से कोई साथी अलग फायदा लेने का या हमारे संगठन का मिसयूज करने की सोचेगा तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। बाकी शमशेर जी ने अब वर्तमान में या पीछे जो मेहनत की है सारे ही संविदा कर्मियों के लिए, वास्तव में पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक इसके बहुत इनके बहुत बहुत आभारी हैं, और हम तो ये कहेंगे कि वास्तव में निस्वार्थ से उन्होंने जो काम किया है और हमें जो हौसला दिया है वास्तव में तारीफ के काबिल है। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि बीकानेर में जो हमारे संगठन के द्वारा महापड़ाव शुरू किया जा रहा है उसमें भी वो हमारी ऐसी मदद करते रहेंगे, और आगे भी आने वाले भविष्य में नियमितीकरण के मामले में जो भी बाधाएं हमारे सामने आएंगी वो हमारे साथ रहेंगी। एक बात और बता देता हूँ कि साथियों सारे ही जो ट्रेंड और अनट्रेंड साथी हैं वो अपने अपने जिला अध्यक्षों के संपर्क में रहें, उनको आगे रखें, ताकि संगठन एक परिवार है, यह जुड़ा रहे और इसमें किसी तरह की कोई समस्या हमारे सामने नहीं आए। नियमितीकरण करो, तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि नियमितीकरण की हमारी मांग लगातार अभी जयपुर में भी चल रही है। इससे 1 महीने पहले हम लगातार नियमितीकरण के लग रहे हैं, सीएम साहब से मिलना हो या किसी से मिलना हो, नियमितीकरण की बात आपकी रेगुलर जारी है। नियमितीकरण तो ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों का ही प्रमुख उद्देश्य है। अनट्रेंड भी साथी यही कहते हैं कि हमें नियमित करवा दो, भले ही 2400 पे ग्रेड पर करवा दो, और ट्रेंड साथी भी कहते हैं कि पे ग्रेड 3600 हो गई तो क्या हुआ, नियमित जब तक नहीं होंगे इस पे ग्रेड का कोई फायदा नहीं है। तो नियमित तो ट्रेंड और नियमित तो हमें होना है, लेकिन अनट्रेंड साथियों के सामने कुछ जो समस्या आई है इसका समाधान हमें जल्दी करवाना है। बीएसटीसी की डिग्री नहीं जोड़ी गई है तो उसको साथियों मैं आपको बताया तो जो भी डिग्रियां नहीं जुड़ी हैं, एक साथी ने समस्या भेजी है कि मेरी डिग्री नहीं जुड़ी है, तो आप सोमवार को लेके आ जाइए, बीकानेर से ही आपकी डायरेक्ट डिग्री जुड़वा दी जाएगी, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बीकॉम और एमकॉम वालों के लिए लेखा सहायक के पद पे है, तो बीए और एमए वालों को भी कोशिश करेंगे कि उनकी पे ग्रेड 2800 रुपये हो जाए, उसका प्रस्ताव भी अपन बीकानेर से बनवाएंगे, इसकी आप चिंता ना करें। बिल्कुल प्रवीण जी ने नहीं करवाए हैं, वो सरकार ने अपनी योग्यता के हिसाब से किए हैं। बीकॉम और एमकॉम को एक पद पे हमारे में भी जो साथी बीए या एमएससी या एम है उनको साथियों को पे ग्रेड 2400 से बढ़कर 2800 हो जाए तो हम इसकी मांग रखेंगे सरकार से, कोई चिंता ना करें साथी इसकी। रिट में बोनस अंकों की मांग ऐसा है साथियों कि अभी रिट में बोनस अंकों के लिए कुछ साथी मैंने ग्रुपों में देखा कि वो प्रयास भी कर रहे हैं। अगर सरकार आपको एक्स्ट्रा कुछ देती है तो हमें इसकी कोई नाराजगी नहीं, आप करिए आराम से, और हमारे से भी अगर कुछ भला होना है आपका तो हम करेंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन आप संगठन की मर्यादा और संगठन के साथ रह के कीजिए। इस तरह अलग संगठन बनाना ये संगठन के साथ कुठाराघात है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथियों आपकी सभी समस्याओं का समाधान के लिए सोमवार को अपन बीकानेर निदेशालय बैठ रहे हैं। बीपीएड की डिग्री के लिए आप चिंता ना करें, बीपीएड की डिग्री आपकी हर हालत में जुड़नी है, इसके लिए आंदोलन का आगाज हुआ है। अनट्रेंडों को ब्रिज कोर्स भी होना है, चाहे बीएड करवाए चाहे 12वीं पास हो उनको बीएसटीसी एसटीसी करवाए सरकार, ये सारी समस्याओं का समाधान होना है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीकानेर निदेशालय सोमवार को पहुंचिए, वहीं सारी समस्याओं का समाधान। आपने हमें सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों बहनों से उम्मीद करते हैं कि आप सोमवार को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीकानेर निदेशालय पहुंचेंगे और संगठन में आस्था अपनी प्रदर्शित करेंगे। निदेशालय पहुंचने वाला है, कभी भी आपके हाथों में आ जाएगा, उसकी चिंता ना करें। अनट्रेंडों के लिए ब्रिज कोर्स भी होगा और सारी समस्याओं का आपका समाधान होगा। महापड़ाव को आप सफल बनाइए।